गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का ये पर्व आप सबके लिए खुशियों भरा हो और सबके घर माँ लक्ष्मी का वास हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और अभी सुबह के बजे 5 और ये इतने सारे कपड़े मैले हो रखे थे, तो मैंने सोचा कि दिवाली सेलिब्रेशन से पहले, पूजा से पहले मैं सारे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो सफाई वगैरह तो मैं कई दिन से लगी हुई थी, तो हो चुकी थी सफाई, बस ये कपड़े गंदे थे। तो मुझे था कि भाई कपड़े भी मैं सारे धो धूँ पूजा से पहले, ताकि पूरे घर में साफ़ सफाई हो और कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की गंदगी ना हो। तो मैं सुबह सुबह ही लग गई थी, बच्चे सो रहे थे, तो मैंने सोचा कि स्कूल जाने से पहले मैं सारे कपड़े फटाफट धो देती हूँ। और सबसे पहले मैं धोती हूँ वाइट कपड़े, उसके बाद मैं थोड़ा सा जो लाइट कलर वाले कपड़े होते हैं, मीन्स कलर उनमें मिक्स होता है, बट जो लाइट कलर के सेकंड राउंड में ये डाल रही हूँ, तो जो लाइट कलर्स के कपड़े थे वो मैं डाल रही थी। और एक रूम के कर्टेन भी धोने थे मुझे, तो मैंने यही सोचा था कि अगर स्कूल जाने से पहले सारा काम निपट गया तो जब तक मैं वापस आऊँगी तो ये सारे सूख चुके होंगे, और कर्टेन मुझे प्रेस करके लगाने भी हैं आज ही वापस, तो इसलिए मैं बड़ा फटाफट लगी हुई थी। तो अब मेरा टाइम हो चुका है स्कूल जाने का, तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मैं स्कूल क्या पहन के गई। तो ये मेरी ड्रेस है, इसको मैंने खुद ही बनाया है, ये स्कर्ट भी और ये जो मैंने पहना हुआ है टॉप ये भी, और मैंने इसके साथ रेड मैचिंग लिया था, और ये गोल्डन कलर का नेकलेस है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। ये है रेड बेंगल्स, इसके साथ कड़े थे ये मेटल के और इन पे छोटे छोटे बने हुए थे रोज़, और ये रेड प्लेन मैंने बिंदी लगाई और रेड ही लिपस्टिक में, पूरा लुक जो मेरा था वो रेड ही था। और अब मैं बस कॉम्ब करके और फटाफट से निकलने वाली थी स्कूल, क्योंकि इस टाइम 7:40 हो चुका था और ये हुनर मुझे बार बार डिस्टर्ब करने आ रही थी। जब भी मैं मेकअप करती हूँ मेरा सारा सामान ये उठा ले जाती है, कभी लिपस्टिक कभी बिंदी, इसको सब कुछ चाहिए होता है। और मेरी पता नहीं कितनी लिपस्टिक तो ये तोड़ चुके हैं, डेली एक दो तोड़ देती है जो इसको मिल जाती हैं। और मैंने ये सिंपल सा पफ बनाया है जैसा मैं नॉर्मली बनाती हूँ, और बस मैंने पीछे वालों को टाई कर लिया था, ऐसे ही क्लिप लगा लूँगी क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। और अब मैं पहुँचने वाली हूँ स्कूल, ये है मेरी क्लास। और आज मैंने दिवाली के ओकेजन पे अपनी क्लास में सभी बच्चों को एक एक पेंसिल और एक एक पार्ले जी का बिस्किट दिया था, तो बच्चे बहुत खुश थे। और मेरा पर्पस ये था कि बच्चों को भी लगे कि भाई हाँ कुछ आज स्पेशल डे है, मीन्स कोई सेलिब्रेशन है, तो इसीलिए मैंने ये पेंसिल तो उनको लिखने में काम आएगी। और खाने की चीज़ बच्चों को जब तक ना मिले ना तो उनका सेलिब्रेशन अधूरा रहता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हें कुछ भी दूँ लेकिन साथ में खाने का ज़रूर कुछ भी हो, ताकि बच्चों को लगे कि भाई हाँ कुछ आज स्पेशल डे है। और मैं बीच बीच में पूछ रही थी कि भाई हाँ किस बच्चे को नहीं मिला है वो मेरे से ले ले, क्योंकि मैंने काउंटिंग करके रखे हुए थे, तो मुझे पता चल गया था कि भाई हाँ किसको मिला किसको नहीं मिला। और ये बनाई थी मैंने एक रंगोली, मैंने सिर्फ चौक से ड्रॉ कर दी थी, और बच्चों को सिखाने के लिए मैंने बनाई थी ताकि बच्चे अपने घर में भी बना सके दिवाली पे ये। तो चौक से एक सिंपल सा फूल मैंने बना दिया था, और उसके बाद बच्चों को ही मैंने बोला था कि भाई आप लोग इसमें खुद से कलर करो, तो बच्चे जो हैं जो रंगोली वाला कलर होता है उसी से बच्चों ने बनाई। और लास्ट ईयर तो मैंने बनाई थी कलर से रंगोली क्लास में, बट बच्चे अब थोड़े बड़े हो गए थे, मैंने सोचा बच्चे खुद क्यों ना बनाएं, क्योंकि अगर इनको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की तो ये अपने घर में भी बना सकते हैं। और उसके बाद मैंने बोर्ड पर लिखा था बड़ा बड़ा हैप्पी दिवाली, और साइड में बॉर्डर से उसको डिज़ाइन भी किया था। तो इस चैनल पर आज मैं फर्स्ट टाइम अपनी क्लास की कोई वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी क्लास का ये दिवाली सेलिब्रेशन आपको कैसा लगा, मेरी ये जो मेहनत है एफर्ट है तो ये कैसी लगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे भी मैं इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आइडियाज़ आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, तो
ये मैंने सारा फ्री हैंड से बनाया था क्योंकि 12 बज चुके थे उस टाइम, और फटाफट से मुझे बनाना था क्योंकि इसके बाद हमने दिए भी जलाने थे और पूजा भी की थी छोटी सी, प्रसाद भी बच्चों को देना था। तो मुझे ये था कि कुछ भी मिस ना हो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी फ्री हैंड से ये बना रही थी। और बस थोड़ा सा मतलब मुझे आइडिया है इस टाइप के बॉर्डर्स का, तो मुझे कुछ इसके लिए ख़ास प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, बट उसी टाइम जो मुझे आता जा रहा था माइंड में वही मैं ड्रॉ करती जा रही थी। और फिर भी जल्दबाजी में भी ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा बन गया था जैसा आप देख पा रहे हैं, और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था। फिर मुझे यहाँ लगा कि जगह थोड़ी खाली सी है और दिवाली के लिए मैं बना रही हूँ तो दिया जब तक नहीं बनेगा तो ये अधूरा सा लग रहा था। मतलब डिज़ाइन तो बन गया था बट दिया नहीं था इसमें एक भी, तो मैंने एक बड़ा सा दिया इसमें बना दिया था, तो फिर ये मुझे थोड़ा कंप्लीट लगा। और अब ये कॉर्नर बच गया था तो मैंने सोचा कि इसको एल शेप में ही कंप्लीट कर देती हूँ पूरा। मीन्स नीचे जगह थी जितनी भी वो सारी मैंने कवर कर दी, और इसको बस फटाफट से ड्रॉ करके उसके बाद मैंने इसमें शेडिंग की थी कलर से, मीन्स कलर चौक जो होते हैं उनसे मैंने शेडिंग की थी इसकी, और जो हैप्पी दिवाली लिखा था उसको भी मैंने कलर चौक से ही आउटलाइन करके हाईलाइट कर दिया था। वो मतलब और ज़्यादा ब्रॉड वो दिखने लगा था मोटा मोटा, तो कुछ भी हम इस टाइप का लिखते हैं तो उसको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किसी दूसरे ब्राइट से कलर से अगर हम आउटलाइन कर देते हैं, मीन्स उसके साइड साइड में भी पेन से आउटलाइन कर देते हैं तो वो और ज़्यादा सुंदर लुक देता है। तो ये मेरा डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट, ये फिनिशिंग पे मेरा काम चल रहा है। अब इसके बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसमें शेडिंग किस तरह से इसमें की है। कलर चौक से की थी मैंने, पिंक, येलो और कहीं कहीं मैंने थोड़ा पर्पल यूज़ किया था, और एक कलर और था मेरा स्काई ब्लू। तो स्टार जब मैंने किया जब तो मुझे ज़्यादा शेडिंग दिख नहीं रही थी क्योंकि वाइट और येलो और ये जो भी कलर थे वो बहुत लाइट लाइट थे, लेकिन जब ओवरऑल कंप्लीट हो गया था तो पता चल रहा था कि भाई हाँ कलर चौक से शेडिंग हुई है, और शेडिंग के बाद ये और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। मतलब फ्लावर्स जो हैं वो और ज़्यादा सुंदर लुक उनका आ गया था, और कुछ में मैंने शेडिंग की थी, कुछ में मैंने ऐसे लाइन से ही इसको फिल कर दिया था, और कुछ को मैंने पूरा फिल किया था, मैं जैसे हम कलर से कर देते हैं वैसे ही फिल कर दिया था। तो काफ़ी अच्छा लगा था ये, काफ़ी लोगों ने प्रेज़ किया जिन्होंने भी देखा इसको। तो इस टाइप के मैं जनरली बना देती हूँ क्लास में, और साथ साथ मैंने बच्चों को भी बनाने को बोला था, जो बच्चे फ्री थे, मीन्स जो रंगोली नहीं बना रहे थे, लड़कियाँ बना रही थी सिर्फ रंगोली, और कुछ बॉयज़ कर रहे थे क्लास को डेकोरेट, मीन्स ये झालर वाला जो आपको दिखाई दे रही है दिए के ऊपर इस टाइप के लगा रहे थे। तो जो बच्चे खाली बैठे थे उनको मैंने बोला था कि भाई आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ। तो बस ये हो गया है कंप्लीट, और ये बच्चों ने बना दिया रंगोली अपनी पूरी। तो जितने छोटे बच्चे थे उस अकॉर्डिंग ये भी काफ़ी अच्छी बनी थी, और ये दिए जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मैंने कई दिन पहले ही डेकोरेट करवा लिए थे, और ये है ओवरऑल क्लास का मेरा लुक। तो अब हम चलेंगे ऑफिस, और ऑफिस में भी एक रंगोली बनाई थी वो है ये, हैप्पी दिवाली उसके बीच में लिख दिया था। तो बस अब स्कूल की तो हो चुकी थी छुट्टी जब मैंने ये फ़ोटोज़ कराए, छुट्टी के टाइम कराए थे, और उसके बाद हम आ गए थे घर, और फिर शाम को थोड़ा बहुत मैंने तैयारी की थी, मीन्स कुछ मैं सामान मार्केट से परचेज़ करके लाई हुई थी तो वो टांगना था, तो इतनी ऊपर मेरा हाथ नहीं जा सकता था, और कील भी गाड़नी थी तो उसके लिए मैंने हस्बैंड की हेल्प ली। तो ये जो ऊपर ऊपर लगानी है वो कील लगा रहे हैं, और वो जो आपको अभी दिखाई दिया था ओम ये भी मैंने आज ही टांगा है, आज से पहले गेट पे कुछ भी नहीं लगा रखा था। तो ये स्पेशली दो लटकन मैं लाई थी, और ये आमने सामने की दीवार पर मैंने लगा दी है, सेम सेम कलर की हैं ये, देखिए ये दोनों लग चुकी है। और ये एक बनवाया था मैंने नेम प्लेट नांदल्स हाउस, इस पर लिखा हुआ है, तो ये भी मैं लगवा रही थी वहाँ पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और दिखाऊंगी कि हमने दिवाली सेलिब्रेट कैसे की। तो कुछ तो मैंने ये काम आज कर लिया और बाकी का बचा हुआ काम हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अभी मैं बस प्रेस करने जाने वाली हूँ क्योंकि जो मेरे कर्टन थे वो हो गए हैं, सूख गए हैं अभी, और
अभी इनको मैं प्रेस करके और ये भी मुझे टांगने हैं, देखते हैं आज टाइम मिल पाएगा कि नहीं। अभी काफ़ी रात हो चुकी थी बट मुझे था कि भाई जितना काम आज निपट जाए ना तो उतना अच्छा है, नहीं तो कल तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे। और इसीलिए मैं फटाफट यही सोच रही थी कि इनको प्रेस करके एटलीस्ट मैं रख दूं ताकि कल के लिए एक काम तो कम बचे। और मैं कुछ फ्लावर्स ले आज ले आई हूँ और लाई हूँ मैं अशोका लीव्स, तो उनसे मैं हर साल झालर बनाती हूँ अपने घर के लिए, तो वो मैं दिखाऊंगी कल आपको। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, आप लोगों ने अपनी दिवाली सेलिब्रेट की कैसे की है वो भी मुझे कमेंट करके बताना, शेयर करना। और वीडियोस कैसी लग रही हैं टाइम टू टाइम मुझे बताते रहिए, अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियोस का आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी दिवाली, टेक केयर, बाय बाय। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अब की बार कम से कम पटाखे जलाएं और ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट करें और दिए ज़्यादा से ज़्यादा।